हॉकी विश्व कप में भारत ने जीत के साथ ही शुरुआत कर दी है। उसने स्पेन को पहले मैच में 2-0 से हरा दिया। भारत के लिए मैच में अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह ने गोल किया। अमित रोहिदास को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही पूल डी में टीम इंडिया ने दूसरा पायदान हासिल कर लिया है। इंग्लैंड ने इससे पहले वेल्स को 5-0 से हराया था। भारत का दूसरा मुकाबला अब 15 जनवरी को इंग्लैंड से होने वाला है। देवियों सज्जनों, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश के कोने कोने को हाईवे के साथ जोड़ दिया। हमारा ये अनुरोध है और एक निमंत्रण भी कि आप भी 14 जनवरी को हमारे साथ जुड़े सड़क सुरक्षा अभियान में, क्योंकि उसमें होंगी रोड सेफ्टी की बहुत सारी आवश्यक बातें। क्यों नितिन जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। सड़क सुरक्षा अभियान, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे, आज सुबह 10 बजे से। जड़ बेलारूस को ही काटने के लिए अपनी सेना को ललकार रहे हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले ही ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी जिनमें बेलारूस की सीमा पर हथियारों की भरमार दिखाई दी थी, जिन्हें बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के एक बड़े हिस्से में तैनात किया गया है। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली एयरबस डिफेंस एंड स्पेस नाम की कंपनी ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि बेलारूस की सीमा पर S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। इसके साथ ही वहां बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आई। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया है कि जिस बेलारूस के एयरबेस पर ये रूसी हथियार दिखाई दिए हैं, वो यूक्रेन की सीमा के काफी करीब है, और इसीलिए इस बात की भी आशंका जताई गई कि यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। उधर रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन के दोस्त बेलारूस और जेलेंस्की के दोस्त पोलैंड के बीच गर्मी बढ़ गई। पोलैंड ने बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना की एक नई डिवीजन तैनात करने का फैसला लिया, जिस पर बेलारूस की त्योरियां चढ़ गई और हालात इतने तनाव से भर गए कि जरा सी चिंगारी यूक्रेन के पड़ोस में नई जंग भड़का सकती है। बेलारूस युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन और पश्चिमी देशों को आंखें दिखाने में लगा है, लेकिन जब उसके पड़ोसी पोलैंड ने उससे लगने वाली अपनी सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाने का मन बनाया, तो बेलारूस ने इसे सिर्फ अपने खिलाफ ही नहीं बल्कि रूस के खिलाफ भी कदम ठहरा दिया। और तो और, बेलारूस यहां पर भी नहीं रुका, पोलैंड के साथ इस विवाद में उसने अपने साथी देशों को भी घसीट लिया, और उसने पोलैंड के फैसले को रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन CSTO के खिलाफ खतरा बता दिया। CSTO में रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। CSTO का आर्टिकल 4 नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जो कि कहता है कि अगर CSTO के किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा CSTO अपने साथी की मदद के लिए उतर आएगा। मतलब बेलारूस इसे नेटो वर्सेस CSTO बनाने की कोशिश में है। इस बीच ईरान और इजराइल में एक बार फिर जंग के हालात बनते दिखने लगे। इजराइल के आर्मी चीफ ने एक ऐसा बयान दिया जिससे ईरान बुरी तरह तिलमिला उठा, क्योंकि इजराइल के आर्मी चीफ ने सीधा ईरान पर हमले की योजना का जिक्र कर दिया। इजराइल के आर्मी चीफ से एक टीवी इंटरव्यू में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सवाल हुआ था। जवाब देते हुए उन्होंने इजराइल की फौज का खतरनाक प्लान बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल की फौज को केवल सरकार के एक इशारे का इंतजार है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनकी मिसाइल के निशाने पर है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ईरान के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने के बेहद करीब हैं, जिसकी इजराइल के पास पूरी जानकारी है।